नमस्कार दोस्तों, माय फर्स्ट ब्लॉग देसी बॉय सीके आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके पहुंचा हूं श्री श्री निगमानंद सरस्वती महाराज जी का आश्रम में, क्योंकि यहां की वीडियो दिखाने वाला हूं, व्यूज़ दिखाने वाला हूं आपको। ये आश्रम में क्या होता है क्या नहीं होता है और आश्रम की खूबसूरती आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से, तो मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको पहले लेके आया हूँ, एक आश्रम का कुंड है और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बैठ के नहा धो सकते हैं और बैठ सकते हैं और पानी देखिए बिल्कुल साफ है आश्रम की, और घाट आप देख ही सकते हो। और एक छोटा सा शिव मंदिर है, मंदिर का ये मंदिर का फार्म हाउस है, इधर साग सब्जी उगाया जाता है मंदिर भगवान की प्रसाद के लिए। और देख सकते हैं इसमें काम भी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, और कई प्रकार के फूल का पेड़ भी है इसके अंदर। तो फाइनली मैं आश्रम के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन जो भगवान जी का मेन गृह है, जो जिसके अंदर उनकी मेन मूर्ति या मेन कुछ रखा हुआ होता है, तो उसके अंदर जाने की इजाज़त मुझे है ही नहीं, जिसकी वजह से जो बाहर से जो भी चीज़ है मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे बड़ी महाराज जी से परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन बड़ी महाराज जी है ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे परमिशन मिला नहीं है। तो इसी वजह से मैं बाहर बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर आइए। और कभी आप लोग पिकनिक शिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो कभी ऐसे ही आश्रम में आइए, आपको खाने पीने का व्यवस्था, बैठने का, सोने का सब व्यवस्था होता है इसके अंदर। कभी आश्रम में भी आके देखिए कितनी सुकून मिलता है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन गृह हैं जिसके अंदर जाने की अनुमति मुझे मिला नहीं है, तो आप यहीं से सीधे गुरुदेव जी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन पूजा जिसकी वजह से मुझे इजाज़त नहीं मिला। गुरुदेव जी का कुछ तस्वीर है, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। गुरु जी जब अपने शिष्य के साथ अपने प्रवचन में कुछ रखते होंगे, ज्ञान बांटते होंगे, उस टाइम की तस्वीर है ये।
ये आश्रम के कुछ हिस्सा हैं, ये प्रसाद बन रहे हैं तो उसके लिए कटिंग भी हो रहा है। और अगर आप भी कहीं से आते हैं प्रसाद खाने के लिए तो आप आके भी खा सकते हैं, यहाँ पर कोई वो इसमें कोई रोग नहीं टोक नहीं कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी कटिंग हो रहा है, तो कोशिश करता हूँ आपको मैं किचन दिखाने के लिए। ये उनकी किचन है, अब बाहर से लिखा हुआ बंगाली में आप पढ़ सकते हैं। फाइनली मैं किचन के अंदर आ चुका हूँ। ये देख रहे हो लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाया जाता है भगवान जी के लिए, क्योंकि मैंने ये बोल रखा हूँ इससे पहले भी कितने थी आपको भगवान का मंदिर दिखाएँ, तो सारा लकड़ी से खाना बनाया जाता है यहाँ पर, प्रसाद बनाया जाता है गुरु जी के लिए। तो एक दिन आश्रम में जब एक प्रोग्राम होता पहला बैसाख, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अंदर होता है एक पहला बैसाख, तो अक्षय तृतीया आता है, तो ये पहला बैसाख के समय मतलब हिंदू रीति रिवाज में हम लोग का होता है ना पहला बैसाख, वो हम लोग का साल नया साल होता है, तो उस टाइम यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम होता है, तो बहुत भक्त लोग आते हैं। तो मैं उस जगह को दिखाने वाला हूँ जहाँ पर ये बैठ के प्रसाद खाते हैं, और गुरु जी का तो मैंने आश्रम दिखाया आपको, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं उस जगह को पास ले जाने वाला हूँ आपको। प्रसाद मंडप, तो मेरे पीछे देख सकते हो ये मंडप है, यहाँ पर भक्त लोग आते हैं अक्षय तृतीया के समय, बा कोई प्रोग्राम होता है सम्मेलन बोलते हैं, तो उस टाइम लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं आश्रम। और इस चीज़ को भी फिर और आगे बनाया जा रहा है बाउंड्री, उस तरफ भी है बाउंड्री, और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ बैठने का उठने का, और अगर आप लोग आके आराम करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं आश्रम के अंदर, तो इस सब के लिए बनाया जा रहा है। और आप दीवार देख रहे हैं, ये जो दीवार है मेरे पीछे, ये दीवार इनकी बाउंड्री है, तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये गार्डन है, फूल वगैरह है, और कितनी खूबसूरत एरिया है। और इस तरफ शौचालय भी है जो आश्रम के, तो आप देख सकते हैं ये पीछे कुंड दिखाया था मैंने सबसे पहले आपको, तो इस तरफ भी इतनी खूबसूरत वादियाँ, हरा भरा, फूलों से भरपूर, फल फूल बिल्कुल सब चीज़ से भरपूर है ये एरिया, देख सकते हैं बिल्कुल नहाने का भी है इस तरफ, नहाने के लिए अलग से बाथरूम और शौचालय भी है, जब कभी कोई आए तो आश्रम में कोई किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और वो बाउंड्री आपको दिख रहा है पीछे से, ये उस तरफ, तो ये सारा आश्रम की ज़मीन है, तो इधर कुछ काम भी चल रहा है इस तरफ, तो क्योंकि आश्रम को कुछ और बड़ा बनाया जा रहा है जिससे आप लोग के लिए सुविधा हो, आने जाने के लिए भी दिक्कत ना हो, रास्ता भी अच्छा है इस तरफ, और आके अपनी फैमिली के साथ आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, आप लोग को सजेशन देना चाहता हूँ, जो कभी आप लोग आश्रम में आइए और घूमिए, देखिए कितनी अच्छा लगता, कितनी सुकून है इधर, बिल्कुल शांत जाएगा, हरा भरा, खूबसूरत वादियों की हवा की मज़ा लीजिए, और अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आइए। तो हमारा सफ़र आश्रम का यहीं से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इससे आगे हम इजाज़त भी मिला नहीं है, हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं बिना महाराज के, बिना मेन महाराज के बिना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी इस चैनल को छोटी सी प्यार आपकी तरफ से सब्सक्राइब करें। तो एक बार एक छोटे पंडित जी हैं, उनसे आप मतलब एड्रेस पता कर लेते हैं, जो एड्रेस के अगर कोई भक्तजन आना चाहते हैं इस तरफ, तो इसके एड्रेस क्या है एक बार उन्हीं से पता कर लेते हैं, और उसके बाद हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए। जय गुरु। एड्रेसटा होच्छे पश्चिम मेदिनीपुरेर, ग्रामेर नाम होच्छे आनिकोला, पोस्ट होच्छे आमीपाड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर। এই অ্যাড্রেসে আনন্দনগর সারস্বত আশ্রম।